Welcome back, my dear kids. How are you? I am hope you are fine. Today we are going to start another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. Our chapter number 6 hum start karenge. Hamare chapter ka naam hai Our Body, Hamara Sharir. To chaliye chapter start karte hain. In this chapter you will learn about bones, muscles, taking care of bones and muscles and correct posture. तो चलिए start करते हैं. Before we start, we have to do warm-up exercise. Look at these picture below. Each one, write which part of the body each child is using. यहाँ पे pictures बनी हुई हैं. आपको picture को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उसमें किस बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं. तो वार्म अप एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. हैव यू एवर फिल्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विद योर फिंगर्स? सम पार्ट्स आर सॉफ्ट व्हाइल अदर्स आर हार्ड. द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स एंड द हार्ड पार्ट्स आर बोन्स. The bones give shape and support to our body. आपने कभी कभी अपनी फिंगर से अपने बॉडी पार्ट को टच किया होगा. कुछ बॉडी पार्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं. जो बॉडी पार्ट सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मसल्स. और जो बॉडी पार्ट हार्ड होते हैं उन्हें हम बोन्स कहते हैं. बोन्स मतलब हड्डियाँ. बोन्स क्या करती हैं? हमारे शरीर को शेप देती हैं और सपोर्ट करती हैं. तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम बोन्स के बारे में. अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स. ऑल द बोन्स इन द बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन. द स्केलेटन गिव सपोर्ट एंड शेप टू आर बॉडी. एक मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं. और सब बोन्स क्या करती हैं? मिलकर स्केलेटन बनाती हैं. मतलब कंकाल शरीर का हड्डियों से जो बना होता है. स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. विदाउट अ स्केलेटन वी विल नॉट एबल टू स्टैंड एंड वॉक. द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन विच इज सॉफ्ट. रिब्स प्रोटेक्ट आर हार्ट एंड लंग्स. Keep a book on the floor. Now try to pick it up without bending your knees or back. Can you do it? बिना skeleton के हम ना तो खड़े हो सकते हैं और ना चल सकते हैं. Skull, skull क्या होता है? जिसे हम खोपड़ी कहते हैं. ये हमारे brain, दिमाग को cover करती है. और ribs, ribs क्या करती हैं? हमारे heart को, मतलब हमारे दिल और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखती हैं. कभी आप सोचिए कि फ्लोर पे बुक गिरी है, क्या आप अपने घुटने को मोड़े बिना उसे उठा पाएंगे? बताइए नहीं. बुक को ज़मीन से उठाने के लिए आपको अपने नीज को, घुटने को बैंड करना ही पड़ेगा. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द लेग हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर आज द ईयर हैज़ द शॉर्टेस्ट. सबसे बड़ी हड्डी शरीर की कहाँ होती है? हमारे पैरों में. और सबसे छोटी कहाँ होती है? ईयर. ईयर मतलब कान की हड्डी सबसे छोटी होती है. वी हैव टू बेंड आर बॉडी टू डू मैनी एक्टिविटीज. द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. जॉइंट आर द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर वी कैन बेंड. देयर आर 230 जॉइंट इन आर बॉडी. हम बिना झुके अपनी बॉडी को बेंड किए बिना कोई काम नहीं कर सकते. बॉडी को बेंड करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. हमारे शरीर में जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं. और हमारे शरीर में टोटल कितने जॉइंट्स होते हैं? 230 जॉइंट्स होते हैं. और देखिए बच्चों, ये क्या है? ये स्केलेटन की पिक्चर है. और ये क्या होता है? स्कल. और ये क्या होते हैं? हमारे रिब्स, जो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को कवर करते हैं और हम कह सकते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं.
देखिए जॉइंट, जहाँ पे ये कोहनी का जो जॉइंट है इसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारा रिस्ट जॉइंट, देन नेक जॉइंट, और ये है हमारा नी जॉइंट, जहाँ से हम इजिली नी को बेंड करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट मसल्स। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स इन द बॉडी। मसल्स हम कहते हैं मांसपेशियों को, और ये किससे अटैच होती हैं, ये हड्डियों से अटैच होती हैं हमारे शरीर में। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 मतलब 640 मांसपेशियाँ होती हैं। सम ऑफ देम कीप ऑन वर्किंग ऑल द टाइम। कुछ मांसपेशियाँ लगातार काम करती रहती हैं। कैन यू नेम देम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? येस, द मसल्स ऑफ आर हार्ट, हमारे दिल की मांसपेशियाँ, लंग्स और स्टमक की क्या करती हैं, हमेशा काम करती हैं, इवन जब हम सोते हैं तब भी वो काम करती रहती हैं। द बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प अस टू मूव, वॉक, रन एंड स्विम। मसल्स और बोन्स एक साथ किस लिए हमारी मदद करती हैं या किस काम में मदद करती हैं? चलने में, खेलने में, तैरने में और भागने में मदद करती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द मोर वी यूज आर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकेम। जितना ज़्यादा हम अपनी मांसपेशियों को यूज़ करेंगे वो उतना मजबूत बनेंगी। इफ़ वी डू नॉट यूज़ आर मसल्स वी विल बिकेम फैट एंड लेजी। अगर हम अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम आलसी और क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू टेक केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हम अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की केयर कैसे कर सकते हैं? टू कीप आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग एंड योगा हेल्प आर बोन्स एंड मसल्स टू बिकेम स्ट्रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बने? हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग और योगा करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। हैविंग हेल्दी फूड मेक आर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। हेल्दी फूड खाने से भी हमारी हड्डियाँ और हमारी मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अलॉन्ग विद एक्सरसाइज वी शुड ईट फूड एंड गेट सफिशेंट रेस्ट। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और सफिशेंट भरपूर नींद भी लेनी चाहिए। दिस विल हेल्प अस स्टे हेल्दी, और इससे हम स्वस्थ रहेंगे। मिल्क इज़ गुड फॉर आर बोन्स। दूध हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें रोज़ मिल्क पीना चाहिए। छोटे बच्चों को दिन में 2 बार मिल्क पीना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो देखिए डिफरेंट एक्सरसाइज है, कौन कौन सी, प्लेइंग, एक्सरसाइज, योगा और भी बहुत चीज़ें हमें डेली करनी चाहिए जिससे हम क्या रहें, स्वस्थ रहें। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसका आंसर वन वर्ड में देना है। हार्ड स्ट्रक्चर इनसाइड आर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मजबूत स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? उसका फर्स्ट लेटर है बी, तो वो है बोन, बी ओ एन ई, बोन। नेक्स्ट, सॉफ्ट पार्ट इनसाइड आर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर का जो नाजुक पार्ट होता है, नाजुक हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं मसल, एम यू एस सी एल ई एस, मसल्स। 3 and 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल रीड अबाउट करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी कीप आर बॉडी वेन वी सिट, स्टैंड और वॉक। गुड पोस्चर गिव्स अ प्रॉपर शेप टू आर बॉडी। आपको क्लास में मैम बोलती होंगी, बेटा ठीक से बैठिए, सीधे बैठिए, तो ये क्यों कह रही है? ताकि आपकी बॉडी क्या रहे, प्रॉपर शेप में रहे और सही रहे। तो इसी को हम कहते हैं पोस्चर। हमें खेलना भी सही तरीके से चाहिए और बैठना भी सही तरीके से चाहिए। हमें अपने शोल्डर्स को बेंड नहीं करना चाहिए
और बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ, व्हेन वी स्टैंड, जब हम खड़े होते हैं तो हमें कैसा पोस्चर लेना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट विद योर बैक स्ट्रेट, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कीप योर चेस्ट आउट, अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ करिए। कीप योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और अपने पैरों को जोड़ के खड़ा होइए। नाउ व्हेन वी सिट, जब आप बैठे हों, ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, जब आप बैठे तो अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के बैठिए। कीप योर चेस्ट अप, और आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए। शोल्डर शुड नॉट ड्रूप, और अपने आपके कंधे ऐसे झुके नहीं होने चाहिए। नाउ व्हेन वी वॉक, जब आप चले तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। ऑलवेज वॉक स्ट्रेट विद योर चेस्ट आउट, हमेशा सीधे चलिए अपनी चेस्ट को आउट बाहर करके। होल्ड योर हेड हाई, स्विंग योर आर्म फ्रीली, अपने हाथों को आर्म्स को क्या करिए, फ्रीली छोड़ दीजिए। अ गुड पॉस्चर ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ प्रॉपरली, लुक स्मार्ट एंड स्टे हेल्दी। अगर हमारा पॉस्चर बिल्कुल सही होगा तो हम प्रॉपरली सांस ले पाएंगे, स्मार्ट लगेंगे और हेल्दी रहेंगे। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक, ऑल द बोन्स टूगेदर फॉर्म द स्केलेटन। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के जो नाजुक पार्ट है उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, स्केलेटन। द प्लेस वेयर बोन्स आर जॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट। एक्सरसाइज मेक्स द मसल्स स्ट्रांग, एक्सरसाइज करने से मसल्स क्या रहती हैं, स्ट्रांग रहती हैं। पॉस्चर इज द पोजिशन इन विच यू सिट स्टैंड एंड वॉक। नाउ टू डू सम एक्सरसाइज, नंबर वन टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाइए। नंबर वन द मसल्स आर फिक्स्ड ऑन टू द, मसल्स किस पर फिक्स्ड होती हैं या कहाँ पर फिक्स्ड होती हैं, बोन्स आईज ईयर या लेग्स, मसल्स फिक्स्ड होती हैं बोन्स के साथ। नंबर टू एक्सरसाइज मेक आर मसल्स एंड बोन्स, एक्सरसाइज से हमारी मसल्स और बोन्स क्या बनती हैं, वीक हार्ड स्ट्रॉन्ग या लूज, तो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनती हैं। नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनकी हेल्प से क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। नंबर वन द बोन्स आर डैश एंड डैश, बोन्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड होती हैं, वीक या टफ होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्ट एंड हार्ड, तो आप सॉफ्ट और हार्ड को यहाँ लिखेंगे SOFT, सॉफ्ट और HARD, हार्ड। नंबर टू देयर आर डैश बोन्स इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 400 या 206, बताइए जल्दी। यस यू आर राइट, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। नाउ नंबर थ्री द डैश प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ आर बॉडी, हमारे बॉडी के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है, स्केलेटन या मसल्स, तो करेक्ट ऑप्शन है स्केलेटन, तो हम यहाँ लिखेंगे स्केलेटन SKELETON, स्केलेटन। नंबर फोर एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो सही है उसके लिए आप ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए आप फॉल्स लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आर बॉडी, बॉडी को सपोर्ट और शेप कौन देता है, बोन्स, यस दिस इज ट्रू, तो हम लिखेंगे TRUE, ट्रू। नेक्स्ट ऑल बोन्स टुगेदर फॉर्म द ब्रेन, सारी बोन्स मिलकर ब्रेन बनाती हैं, नो वो क्या बनाती हैं, स्केलेटन, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर थ्री प्लेस वेयर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड द टंग, जहाँ पर बोन्स मिलती हैं उसे हम टंग कहते हैं,
नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसे हम जॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट बोन्स एंड मसल्स. आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.